करनाल के गांव पोसगढ़ स्थित एमडीडी बाल भवन में असहाय और बेसहारा बच्चों के लिए चल रहे अनाथ आश्रम में एब्रो इंडिया कंपनी द्वारा कमरे का निर्माण कराकर अनाथ आश्रम को समर्पित किया गया। इस अवसर पर अनाथ आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एब्रो इंडिया कंपनी के कार्यों की प्रशंसा कर आगे भी सहयोग की कामना की गई। कार्यक्रम में एब्रो इंडिया के प्रबंध निर्देशक जेपी लवार्डे मुख्य अतिथि और कंपनी के प्रबंधक यशपाल सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में के बच्चे व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। एब्रो इंडिया कंपनी के इन अधिकारियों का अनाथ आश्रम में पहुंचने पर अनाथ आश्रम के संचालक पीआर नाथ सहित कमेटी के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। जेपी लवार्डे ने कंपनी के अधिकारियों के साथ इस अवसर पर रिबन काटकर कमरे को आश्रम को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि कंपनी को अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए चल रहे अनाथ आश्रम में सहयोग कर प्रसन्नता का एहसास हो रहा है। अपने लिए तो हर कोई कार्य करता है, लेकिन दूसरों के लिए कार्य करने से जो अनुभूति होती है, उसका एहसास आज बच्चों के भाव देखकर मालूम हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि असहाय व बेसहारा लोगों के भले के कार्य करने से आत्मसंतुष्टि हो रही है। So we are here for, you know, for this Children's Day celebration, and we are very glad to be part of this particular event. We are also quite active with the MDD Bal Bhavan. We are very grateful to be also associated with them and then to contribute to the expansion for this particular building. And we believe that giving a chance also for all the children to have a better future, to have also a chance to go to a good you know, to a good school, and to have a very good environment will be key. And if we can contribute to that one, that will be great. So we've been let's say investing from Ebro India for the last 3 years, and I think we'll continue with all the good work that they are doing here, and happy to support the orphanage because that's a very let's say nice cause, and we believe that contributing to it is good for the community. Thank you. आज इस शुभ अवसर पर हम उस बुक्स एंड स्टेशनरी यूनिफॉर्म स्टोर की इनॉग्रेशन भी श्री जे पी लवार्डे साहब की और जोस मरिया साहब की और यशपाल जी की कर कमलों से आप सबके सहयोग से आज हुआ है। मैं एमडीडी बाल भवन की ओर से मैं सभी को मैं स्वागत करता हूं। प्रबंधक यशपाल सिंह ने कहा कि कंपनी ने व्यापारिक के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी समाज के लिए काम करने की सोच को आगे बढ़ाया है, ताकि व्यापारिक घराने समाज सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदारी कर सकें और अपने दायित्व का निर्वाह करें। उन्होंने बताया कि एब्रो इंडिया कंपनी ने किसान गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए एकता नामक कार्यक्रम चलाया है। कंपनी ने गरीब परिवार के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में आर्थिक मदद देने और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 10वीं की टॉप 10 छात्राओं को कल्पना चावला अवार्ड देने का कार्यक्रम भी चलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनी के संचालकों की सोच है कि समाज की सेवा के कार्यों में भी कंपनी बढ़ चढ़कर भाग ले और दूसरे औद्योगिक घरानों को प्रेरणा का स्रोत पत्र करे। भवन में इस प्रोग्राम में हमें बुलाया गया था और हम पिछले 3 साल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारा एमडीडी बाल भवन में सहयोग की वजह से कह लो या किसी वजह से हम लोग इधर आते रहते हैं और जितना हो पाता है कंपनी की तरफ से हमारी कंपनी की तरफ से हम इनको सहयोग करते रहते हैं पिछले 3 सालों से। और हमारा एक प्रोग्राम एकता चल रहा है, एब्रो इंडिया किसान ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जो किसानों को एडवाइस करते हैं हम कितना पेस्टिसाइड यूज़ करना है, कितना कौन सा टेक्निक यूज़ करना है फार्मिंग के लिए। उसके अलावा हमारा आईटीआई के जो हैं 16 स्टूडेंट्स को हमने फाइनेंशियली सपोर्ट का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है। उसके अलावा कुछ इसी तरह रिहैबिलिटेशन सोसाइटीज़ को सपोर्ट हमारा चलता रहता है, तो एब्रो इंडिया इस मामले में काफ़ी ध्यान देती है। कल्पना चावला, हम करनाल में रह रहे हैं तो कल्पना चावला अवार्ड भी हम देते हैं 10 बच्चों को, 10th क्लास की 10 लड़कियों को जो है, जो टॉप 10 रहती हैं उनको कल्पना चावला अवार्ड भी देते हैं। क्योंकि कंपनी का सिर्फ ये नहीं है कि हमारा हम सिर्फ प्रॉफिट्स कमाएं और अपना कंपनी के पॉकेट्स में चला जाए, हमारा जब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उनकी उसकी तरफ भी हमारी कोई जिम्मेवारी बनती है और उसी जिम्मेवारी का हम निर्वहन करने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स करते हैं।
आज न्यूज के लिए MS निर्मल की विशेष रिपोर्ट।